बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। टोनी देवी से स्थानांतरित कर भोज पर स्थापित किए जाए कार्यालय, प्रदेश सरकार से रेम कौशल ने की मांग। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी गई जानकारी, मंडी जिला की नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों ने लिया भाग। सुंदरनगर में शरारती तत्वों ने फूंक डाला शराब का ठेका, पुलिस कर रही मामले की गहनता से छानबीन। और मुश्किल के बीच में रहकर कर रहे हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अजय के पिता राजू अजय को दे रहे बेहतर शिक्षा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि अपनी मंजिल पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मन में अगर जज्बा हो तो कोई राह मुश्किल नहीं होती है, आखिरकार मंजिल मिल ही जाएगी। कुछ ऐसी दास्ता झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले अजय की है, जो कि दिन रात एक कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। मंडी शहर के झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले अजय का अब तक का जीवन इन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों के बीच बीता, लेकिन अजय के पिता राजू अजय को जिंदगी में कुछ बड़ा बनते देखना चाहते हैं, जिसके चलते राजू ने अपने बेटे अजय को स्कूल भेजा और अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले अजय ने के चैनल की टीम से बात करते हुए बताया कि शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार का सहारा बनना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा में अब तक उन्हें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा है और अंधेरे में रहकर ही अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी नज़र में शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा ही मेरे लिए महत्व है कि मैं शिक्षा मतलब अच्छी तरह ग्रहण करूं और मतलब अपने परिवार के लिए कुछ मतलब करके बताऊं, मतलब अच्छी स्टडी करना चाहता हूं। अभी मतलब जैसे अभी स्कूलिंग के दौरान भी आपको काफ़ी समस्याएं इस परिवेश में सामने आई होंगी बचपन में? हाँ, यहाँ पर बहुत ही असुविधा है, यहाँ पढ़ने लिखने की कोई मतलब सुविधा नहीं है, ना लाइट की है ना कोई मतलब रहने की। नहीं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो आपको कैसा लग रहा है अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं आगे जीवन में? तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं अपने जीवन में इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अजय ने के चैनल से बात करते हुए बताया कि उनके जीवन का सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकें। बचपन से यहाँ रह रहा हूँ और खेलते कूदते यहीं बड़ा हो गया, यहीं स्टडी कर रहा हूँ अपनी। पहले मैंने बॉयज स्कूल में अपनी स्टडी की, 9th 10th उधर से की, फिर मैंने सिड्डा मतलब कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ मैंने अपनी वो डिपार्टमेंट सिविल रखी है और मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ और मैं अपनी स्टडीज जारी रखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी कुछ जीवन में कुछ कर पाऊँ। अजय ने सभी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को के चैनल के माध्यम से संदेश दिया है कि जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अपने परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूर ग्रहण करें। हमारी सोसाइटी में मैं सभी बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि वह अपनी लाइफ में पढ़े लिखे और अच्छी स्टडी करके अपने परिवार को
आगे बढ़ाई और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चैनल की टीम ने अजय के पिता राजू से बात की तो पता चला राजू ना केवल अपने बेटे अजय को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं बल्कि आसपास के झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते आए हैं। अजय के पिता आसपास के झुग्गी झोंपड़ियों के सभी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इसी के चलते राजू अपने बेटे अजय को जैसे तैसे कर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। अजय के पिता के मुताबिक अजय को पढ़ने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है लेकिन वह दिन दूर नहीं होगा जब अजय आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा। वहीं अजय के पिता ने बताया कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले 45 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 40-45 बच्चे पढ़ते हैं इस बस्ती से। सब बच्चे ये पड्डल स्कूल में जा रहे हैं, बॉयज स्कूल में जा रहे हैं यहाँ से घर बैठे। और अजय बॉयज स्कूल में 10 क्लास पूरी करके नौलखा कॉलेज है सिद्धा कॉलेज वहाँ पर जा रहे हैं पढ़ने के अपने कोर्स करने के लिए। ये इनका सब्जेक्ट है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी बच्चे आप अपनी दौड़ धूप कर रहे हैं, आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं। के चैनल की टीम ने जब अजय के पिता राजू से बात की तो उन्होंने कहा कि ज्ञान और विद्या के बल पर अमीरी और गरीबी तय होती है, इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे उनके लिए सम्मान है। आपको बता दें कि अजय के पिता सभी झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों को स्कूल के निर्देशानुसार भी गाइड करते हैं। जी, शिक्षा का महत्व ये है सर कि आजकल के समय में अज्ञानता की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इस पढ़ाई के लिए लोगों को देखो, चलो ठीक है गरीबियाँ होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व ये है कि ज्ञान विद्या, जिसने विद्या जो प्राप्त करते हैं, पढ़ाई प्राप्त करते हैं, इसी विद्या के बल पर ही लोग ये अमीर और गरीब बनते हैं। अगर शिक्षा का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी होता है और बिना ज्ञान के जीवन के सभी लक्ष्य अधूरे हैं। अगर मन में लगन हो तो कोई भी राह कठिन नहीं होती है और मंजिल आसानी से मिल जाती है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों का डटकर सामना करने से मंजिल पाने की हर राह आसान लगती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब रोहतांग गाड़ी ले जाने के लिए सैलानियों को परमिट के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। ऑनलाइन ही परमिट बुक होंगे, इसके लिए खोले गए काउंटर बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने यह फैसला देश विदेश से रोहतांग आने वाले सैलानियों की सहूलियत के लिए लिया है। जिला प्रशासन ने सैलानियों के लिए परमिट बुक करवाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। ऑनलाइन होते ही परमिट बुक होंगे। इससे पहले परमिट मनाली में स्थापित काउंटरों पर ही मिलते थे और पर्यटकों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वही गाड़ियां रोहतांग जा पाएंगी जिनके मालिक पहले ऑनलाइन परमिट लेंगे, चाहे यह गाड़ियां हिमाचल की हो या फिर दूसरे राज्य की। इससे पहले प्रशासन ने लोकल और बाहर की गाड़ियों की संख्या तय की थी। इसकी पुष्टि SDM मनाली ज्योति राणा ने की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश अनुसार इस बार केवल 500 पेट्रोल वाहनों को ही एक दिन में रोहतांग भेजा जाएगा। वहीं रोहतांग के लिए वसूल किया जाने वाला ₹500 शुल्क ट्रांसपोर्ट के खाते में जमा किया जाएगा, जिसके लिए अलग से खाता खोला जाएगा।
एनजीटी ने 16 दिसंबर के आदेश में रोहतांग के लिए केवल 500 पेट्रोल गाड़ियों को भेजने के लिए कहा है। एनजीटी के आदेशों की पालना करने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इस बार बीआरओ ने दावा किया है कि रोहतांग को मार्च में ही बहाल कर दिया जाएगा, जिससे संभव है कि 1 अप्रैल से रोहतांग के लिए सैलानियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। वहीं एडीएम कुल्लू विनय सिंह ने बताया कि प्रशासन ने www.hpkullu.nic.in नाम की वेबसाइट बनाई है, जिससे ऑनलाइन बुकिंग होगी, वहीं पैसा भी ऑनलाइन जमा किया जाएगा। इसके अलावा एक नंबर की गाड़ी को दूसरा परमिट कितने घंटे बाद मिलेगा, इसके लिए भी प्लान बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रोहतांग के लिए काउंटर पर मिलने वाली परमिट इसलिए भी बंद किए गए कि स्थानीय लोग सैलानियों को भड़काने का काम काउंटर पर करते थे। वहीं एक टैक्सी चालक एक मौके पर कई परमिट ले लेता था, जिसके बाद से 2500 से 3000 तक इस परमिट को बेचा जाता था, जिसकी शिकायत भी पिछले साल मनाली प्रशासन के पास आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चैल चौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Choose Delhi Public School Bhangrotu, Ner Chowk, a unit of DVS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DVS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DVS Bhangrotu is affiliated to CBSE Board. Our campus offices NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 98165-66816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes only. 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905
2820046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA Traders लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे वन पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को वन पीस। MA Traders लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। व्हाट्सएप की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बद्दी यूनिवर्सिटी ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को टक्कर देने वाला कॉइन नाम का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसकी खूबी यह है कि इसको चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। बद्दी यूनिवर्सिटी ने कॉइन नाम से एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च किया है और बिना इंटरनेट के भी इस ऐप के माध्यम से चैट कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ऑडियो और वीडियो कॉल भी इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। ऐप बनाने वाले डॉक्टर अजय गोयल ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से यह सुविधा चालू होगी। यूनिवर्सिटी में लगे सर्वर और अन्य राउटर के माध्यम से इसे ऑपरेट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद सभी लोग इस ऐप के माध्यम से कनेक्ट हो सकेंगे और निशुल्क आपस में चैट और कॉल कर सकेंगे। डॉक्टर अजय गोयल ने बताया कि इसे जल्द ही कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया मिशन के लिए यह ऐप कारगर साबित होगा। यह ऐप लैपटॉप से लैपटॉप और मोबाइल टू मोबाइल चैट के लिए उपयोगी साबित होगा। यूनिवर्सिटी में इस ऐप की लॉन्चिंग कुलपति प्रदीप श्रीवास्तव ने की है। जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी की टीम ने करीब 6 महीने तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को टक्कर देने वाला कोई नाम से इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश में अब पूरी तरह भूकंप रोधी और बेहद कम बजट पर सरकारी भवनों का निर्माण हो सकेगा। सीमेंट कंक्रीट के बजाय भवन निर्माण में लाइट गेज स्टील फैब्रिकेशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। वहीं ट्रायल के तौर पर कुल्लू में इस तकनीक को आजमाया जा रहा है। आमतौर पर सीमेंट कंक्रीट से बनने वाले जिस भवन के निर्माण में 2-3 साल का वक्त लग जाता है, लाइट गेज स्टील फैब्रिकेशन से उसी आकार के भवन को महज 6 माह के भीतर तैयार किया जा सकेगा, जबकि भवन की लागत भी करीब 35% कम होगी। LGSF से बनने वाली भवन पूरी तरह से फायर और साउंड प्रूफ होने के साथ भूकंप रोधी होंगे, जो 8.5 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप को आसानी से सह पाएंगे। IIT रुड़की की ओर से तैयार डिजाइन को हिमाचल सरकार ने हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि इस तकनीक पर सरकारी भवनों के निर्माण के बाद राज्य सरकार प्रतिवर्ष भवनों के निर्माण पर होने वाली कुल राशि का 35% पैसा बचा सकती है। हिमाचल में कुल्लू जिला के लगभुट्टी में इस तकनीक पर जल्द 1.5 मंजिला PHC भवन का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जबकि ट्रायल के तौर पर कुल्लू के मोहल में एक वेटनरी OT और कार्यालय बनाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।